आज हम बात करने लगे हैं वॉल्केनिज्म की, ठीक हो गया, या आतिशफिशाओं की, कि आतिशफिशा क्या है और इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि आतिशफिशा क्या है। लावे से भरे पहाड़ जो हैं, चाहे वो लावा पहाड़ों के अंदर मौजूद है या उनसे बह के बाहर आ रहा है, इसको आतिशफिशा कहा जाता है, ठीक हो गया। जब आतिशफिशा अंदर अगर मौजूद है लावा पहाड़ के, तो उसको मैग्मा कहा जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसको लावा कहा जाता है। अब ये मैं बात कर चुका हूँ कि ये लावे के जो पहाड़ हैं ये क्यों बनते हैं, ठीक है। तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं कि मैंने आपसे बात की थी कि सी प्लस ओ और ओ प्लस ओ के जो पहाड़ बनते हैं, यानी कॉन्टिनेंट प्लस ओशन के टकराने से या ओशन प्लस ओशन की प्लेट्स के टकराने से जो पहाड़ बनते हैं उनके अंदर जो है वो लावा होता है, ठीक है। तो बात बात करते हैं आगे इनकी काइंड्स की। तो इनकी तीन किस्में हैं, ठीक हो गया, जो आतिशफिशा हैं, जो वॉल्केनोज हैं, इनकी थ्री काइंड्स हैं। सबसे पहली एक्टिव वॉल्केनोज हैं, दूसरा डोरमेंट वॉल्केनोज हैं, तीसरा एक्सटेंट वॉल्केनोज हैं, ठीक हो गया। जो सबसे पहला है एक्टिव वॉल्केनोज, वो ऐसे आतिशफिशा हैं, ऐसे जो है वो वॉल्केनोज हैं जो कि अभी भी आते हैं किसी किसी वक्फे के बाद, ठीक है, और वो मुसलसल अभी ज़िंदा हैं और उनका प्रोसेस चल रहा है। किसी भी टाइम पे उनका आइडिया नहीं होता कि वो कब जो है वो ज़मीन से बाहर उबल पड़े, यानी वो एक्टिव हैं। दूसरे जो हैं वो डोरमेंट वॉल्केनोज हैं, ये वो आतिशफिशा हैं जो किसी ज़माने में फटते रहे, ठीक हो गया, और अब जो है वो इस टाइम पे फ़िलहाल साइलेंट हैं। फ़िलहाल उनका कोई लगता नहीं ऐसा चांस कि वो फटेंगे, लेकिन फिर भी उनके अंदर मैग्मा या लावा मौजूद है और चांस है कि वो कभी ना कभी फट सकते हैं, ठीक हो गया। और माउंट हेलन जो है, सेंट हेलन, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर बात करें थर्ड पे, तो है एक्सटेंट वॉल्केनोज। ये वो वॉल्केनोज हैं जो अब ख़त्म हो चुके, ठीक हो गया, मतलब कि एक ज़माने में ये वॉल्केनोज आते रहे, फटते रहे, मगर अब वो मर चुके हैं, अब वो डेड हो चुके हैं, उनके अंदर अब जो मैग्मा है वो नहीं बचा, ठीक हो गया। तो ये तीन काइंड्स हैं किसकी, वॉल्केनोज की।